वैसे तो पास्ता सभी बना लेते हैं, लेकिन आज हम जिस तरीके से पास्ता बनाने वाले हैं ना, उसकी एक खास बात है कि हम इसे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ना भी हो ना, तो भी आप इस पास्ता को सुपर टेस्टी और स्पाइसी बना सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो इस सुपर टेस्टी पास्ता को बनाने के लिए मैंने गैस पर रख दिया है एक बड़ा सा बर्तन और उसमें बहुत सारा पानी डाल दिया है। पानी आपको बहुत सारा डालना है, पानी कम नहीं डालना है। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। हमें उतना ही नमक डालना है जितना कि पास्ते में स्वाद आ सके। और अब हम इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने से क्या होगा कि पास्ता एक दूसरे में चिपकेगा नहीं और खिला खिला बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें एक उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पर इस पानी में उबाल आ गया है, तो अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे पास्ता। तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी पास्ता इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको जितना पास्ता बनाना हो आप उतना कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमें इस पास्ता को पकाना है, तो इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे पकने देंगे। हमें पास्ता को 90% तक यहीं पर पका लेना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो पास्ता टूटने लगेगा। और यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए हैं पास्ता को पकते हुए, तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक पास्ता को निकाल कर हम इसे कट करेंगे इस तरीके से, और ये देखिए ये बहुत आसानी से कट हो रहा है। तो हमें इसी तरीके का पका हुआ पास्ता चाहिए। तो यहाँ पर ये पास्ता पककर तैयार हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पास्ता को एक स्ट्रेनर में छान लेंगे और इसे ठंडे पानी से एक बार धो लेंगे। तो अब हम चलते हैं इसको बनाने के लिए पास्ता को। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाही रख दिया है, आप कोई सा भी पैन या कढ़ाही ले सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल और 1 चम्मच मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। बटर डालने से इस पास्ता में एक क्रीमी फ्लेवर आता है, लेकिन आप चाहें तो इसे केवल तेल में भी बना सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और इन्हें बस कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। तो उसके बाद हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज के प्याज को कट करके ले रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तीखा आप अपने अनुसार कर सकते हैं कम और ज़्यादा। और अब हम इन सबको अच्छे से भूनेंगे। तब तक भूनना है जब तक कि इस प्याज में एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। और ये देखिए इस प्याज में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पर मैं 1 बड़े साइज का टमाटर ले रही हूँ। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। मैं 1 छोटी चम्मच नमक इसमें डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। आप काली मिर्च को कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं। काली मिर्च डालने से इस पास्ता में बहुत ही स्पाइसी सा एक फ्लेवर आएगा। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसे डालने से पास्ता में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और देखने में बिल्कुल बाजार जैसा लगेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इन सबको भूनेंगे। तो मैं इसे कवर करके भून रही हूँ जिससे कि टमाटर जल्दी पक जाएगा। 2 से 3 मिनट में टमाटर अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से पक गया है। और जब टमाटर अच्छे से पक जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस। अगर आपके पास ये सॉस नहीं है ना, तो आप बस टोमेटो सॉस इसमें डाल दीजिए, उससे भी ये पास्ता बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है। और सॉस डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने उबले हुए पास्ता को। और उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच ऑर्गेनो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑर्गेनो नहीं है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। तो आप चिली फ्लेक्स को घर पर बना सकते हैं। मिर्ची को क्या कीजिए कि तवे पर हल्का सा रोस्ट करने के बाद उसे हाथ से क्रश कर लेंगे तो चिली फ्लेक्स तैयार हो जाता है और उसे आप इस पास्ता में यूज कर सकते हैं। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। और 2 मिनट बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़।
यहाँ पर मैं मोजरेला चीज़ का यूज कर रही हूँ। तो अगर आपके पास चीज़ नहीं है ना, तो आप इसके बदले में क्या डालेंगे कि ये पास्ता बहुत ही क्रीमी क्रीमी बनकर तैयार होगा, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आप थोड़े से पनीर को ग्राइंडर जार में डाल लीजिए और थोड़ा सा पानी उसमें डालकर उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, और उसके बाद उस पेस्ट को इस पास्ता में डाल देंगे ना, तो भी ये पास्ता बहुत ही क्रीमी क्रीमी बनकर तैयार होगा। तो आप बिना चीज़ के भी इस पास्ता को क्रीमी टेक्सचर दे सकते हैं। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मैं इसे कुछ देर के लिए कवर कर रही हूँ, बस 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि ये चीज़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो गए हैं और ये हमारा स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी पास्ता बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, बहुत ही कम सामान में बहुत ही स्पाइसी और चीजी पास्ता बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।